Hello, guys, welcome back again. I hope all of you are doing well and also preparing for your exams. In this video, I am going to tell you about the recent notification that is uh, uploaded by uh, Govind Guru University, Baswada. That is regarding four beard courses, uh, it is integrated beard courses or it can be separated to year beard progress. Uh, many students uh, have been asking me these questions that uh, should we wait for new education policy one year bid program or uh, can we uh, do it now? So I uh, I would recommend all the students don't need to wait for one year bid program. Who have completed their post graduation, uh, if you have free time, then I would uh, tell you that you should do it. बिकॉज देयर इज़ नथिंग एनी नोटिफिकेसन रिगार्डिंग वन ईयर बी एड प्रोग्राम सो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या एलिजिबिलिटी है यह आपका पी टी ई टी दो हजार तीस तेईस के लिए होने वाला है इसमें आवेदन आमंत्रित किए गए हैं जिसमें आप देख सकते हैं पी टी ई टी दो हज़ार तेईस और इसमें अगर आप बात करें आपको कितनी परसेंट चाहिए तो देखिए एक तो होगा ट्वेल्थ ईयर ट्वेल्थ के साथ में फोर ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स अगर आपने ग्रेजुएसन कर रखी है तो आपके लिए टू ईयर वाला है तो ये है पी टी टी प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट इसमें आपके लिए चाहिए जैसा कि आप देख सकते हैं स्नातक परीक्षा में या फिर स्नातक तो, या फिर पीजी परीक्षा में राज्य सरकार के नियमों के अकॉर्डिंग सामान्य वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग का क्रीमी लेयर या फिर आर्थिक रूप से जो ई डब्ल्यू एस है उनके लिए न्यूनतम पचास प्रतिशत और जो भी अनुसूचित जनजाति हैं अन्य पिछड़ा वर्ग हैं विशेष पिछड़ा वर्ग हैं दिव्यांग हैं तलाकशुदा महिला हैं उनके लिए पैंतालीस प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं पाँच परसेंट छूट दी गई है रिजर्व कैटेगरी के, के लिए जो ट्वेल्थ पास स्टूडेंट हैं जो, जो चार ईयर कब इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे वापस से वही है क्रीमिलेयर ओ सामान्य वर्ग ई के लिए न्यूनतम पचास होना चाहिए और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए पैंतालीस अंक होना अनिवार्य है एक भी अंक कम अनिवार्य नहीं होना चाहिए नहीं तो आपका आवेदन वो निरस्त कर दिया जाएगा ठीक है ओके अब इसमें विवरण देख सकते हैं महत्वपूर्ण तिथियाँ पंद्रह मार्च से ही शुरू हो गया है परीक्षा शुल्क आवेदन की अंतिम तिथि पंद्रह अप्रैल की गई है प्रवेश परीक्षा इक्कीस मई को है और शनिवार तक आप रात के बारह बजे तक ऑनलाइन कर पाएंगे आरक्षण यहाँ पे देख सकते हैं आप आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं बाँसवाड़ा यूनिवर्सिटी की इस जो लिंक दिया हुआ है ये जो लिंक दिया हुआ है इस पे जाके ठीक है पाँच सौ रुपये आप ई बैंकिंग के थ्रू डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ई मित्र के थ्रू ये आप भुगतान कर पाएंगे उसके बाद में अगर आपको कोई भी प्रिंट नहीं निकलता है या फिर कोई भी दिक्कत आती है तो इन नंबरों पर आप हेल्पलाइन पर पूछ सकते हैं या फिर इस पे आप ईमेल कर सकते हैं कई बार क्या होता है पेमेंट कट जाता है और वहाँ पे सक्सेसफुली नहीं दिखाता है तो इन नंबर पे आप कॉल कर पाएंगे आवेदन पत्र के साथ में ही प्रिंट ले लें उसका और आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी सत्यापित छाया प्रति अपने पास सुरक्षित संभाल कर रखें जो भविष्य में आपकी काउंसलिंग के टाइम पे आएगी जमा करवाएंगे उस टाइम पे तो ऑनलाइन आवेदन के समय चयन किए गए दो जिलों में प्राथमिकता और केंद्र की उपलब्धता के आधार पर केंद्र आवंटित किया जाएगा दो जिले आपको चूज करने हैं उसी के अकॉर्डिंग ही आपको केंद्र दिया जाएगा ओके तो ये है अपना मोबाइल नंबर सही सभी को सही भरना है ताकि सूचनाएं परीक्षा संबंधित सूचना एस एम के माध्यम से सभी को मोबाइल नंबर पर आ पाए तो ये कुछ नोटिफिकेशंस हैं जो मैं बताना चाह रहा था सभी स्टूडेंट को तो और मोस्ट most, मोस्टली उन बच्चों को जो आ, कई बार मेरे से पूछ रहे थे कि इस बार एग्जाम दें या नहीं दें तो बेस भी झिझक आपको एग्ज़ाम में बैठना चाहिए क्योंकि वन ईयर बी प्रोग्राम का अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है अगर होगा भी तो वो 2023 से नहीं होने वाला है वो 2024 तक ही जाएगा अभी तो इस साल आप अपनी एक साल खराब नहीं करें टू ईयर वाला कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग अगर आप, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं धन्यवाद मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ